देखिए, हर चीज़ को हर जगह तुलना नहीं करना चाहिए। आपको याद है जब मंडल लागू किया गया, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। पूरे देश में आग लगी थी, उसके बाद कांग्रेस आई और उसका मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट है उसको लागू किया गया। एक जगह भी कोई गाड़ी जली क्या? कहीं आंदोलन हुआ क्या? तो इनको सत्ता चलाना आता नहीं, ये केवल झगड़ा करा सकते हैं, आग लगवा सकते हैं। सत्ता चलाना कांग्रेस को आता है, वहाँ भी वहाँ बांटने, हर चीज़ को वहाँ किया जा रहा था, यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा, ये तुलना करना उचित नहीं है। देखिए, 2018 में चुनाव हुए, जो वादे छत्तीसगढ़ की जनता को हमने किया था वो हम पूरा कर रहे हैं, और 80% से अधिक वादे हमने पूरे किए अभी तक के, 2 साल बचे भी हैं, उसमें हम और बचत जो वादे हैं उसको भी पूरा करेंगे। अब जब 2023 का जब चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ की जनता जो वादा करेंगे उसके आधार पर चुनाव हम जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो घोषणा की है, तो वो यहाँ छत्तीसगढ़ में क्यों लागू नहीं, उत्तराखंड में हो तो उसको क्यों लागू नहीं, गोवा में किया गया उसको क्यों नहीं लागू किया? ये तुलना करना उचित नहीं है। हर प्रदेश की अपनी आवश्यकताएं हैं, वहाँ की जो जनभावनाएं हैं उसके हिसाब से सारी पार्टियाँ करती। अब एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपये देने की बात कही थी, 300 रुपये बोनस दे रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी विरोध क्यों कर रही है? मोदी जी जब सरकार में आए 2014 में, तो उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी राज्य बोनस देगा तो वहाँ से अनाज नहीं खरीदा जाएगा FCI में। तो भारतीय जनता पार्टी जब 300 दे रही थी, तो उसका राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों नहीं माना? क्योंकि ये राज्य का विषय है, और राज्य अपने हिसाब से हर राज्य में वहाँ की इकाई फैसला करती कि हम सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे। अब मैं चुनाव में जाता हूँ तो हर बार मेरे से पूछा जाता है, वहाँ भी पत्रकार वही पूछते हैं, यहाँ भी पत्रकार वही पूछ रहे हैं। तो यहाँ के मुद्दे को यहाँ पूछा जाना चाहिए, और निश्चित रूप से जो 2018 में हमने जो जनता से वादा हमने किया था उसे हम पूरा करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। अब वहाँ जा रहे हैं, अब घोषणा पत्र जारी करने के लिए मुझे बुलाया गया, इलेक्शन थीम सॉन्ग वगैरह लॉन्च करना था, उसमें मुझे बुलाया गया था देहरादून। मैं वहाँ गया तो वो बोले आप वहाँ देंगे क्या? अरे भाई, वो यहाँ का मुद्दा है, यहाँ घोषणा की गई, यहाँ सरकार आएगी तो वहाँ पूरा करेंगे।